Hello everyone, in this video we are going to learn about basic logic gates. But before that, let us understand basically what is a logic gate. Logic gates are the basic building block of any digital system which implement a Boolean function. It is an electronic circuit having one or more than one input and only one output. So students, logic gate kya hai? They are the basic building block of any digital system which implement a Boolean function. Ye kisi bhi digital system ke basic building block hain aur jo implement karte hain Boolean function. Acha, implement karte hain Boolean function, iska kya matlab hai? Ye aage aane wali slides mein hame pata chalega. Aur ye basic building block hain kisi bhi digital system ke. To ye digital systems kya hote hain? Digital systems wo hote hain जो डिजिटल सिग्नल पे वर्क करते हैं, जिनका इनपुट डिजिटल होता है और जिनका आउटपुट भी डिजिटल फॉर्म में होता है. फॉर एग्जांपल, कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स, ये सब किस में आ जाएंगे? डिजिटल सिस्टम में आ जाएंगे. और इसमें आपका क्या लगा होगा? लॉजिक गेट्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह लगा होगा. ओके, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट. लॉजिक गेट्स आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती हैं जिनके पास क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा इनपुट होता है, बट आउटपुट इनके सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये एंड गेट का मैंने यहाँ पे सिंबल बनाया है. ये सिंबल है एंड गेट का. यहाँ पे आपको दो इनपुट दिख रहे हैं, ए एंड बी, और आउटपुट है सिर्फ एक, सी. ठीक है, तो इनपुट दो हैं लेकिन आउटपुट क्या है? सिर्फ एक है. इनपुट एक भी हो सकता है, आउटपुट एक ही होगा. इनपुट तीन भी हो सकते हैं, आउटपुट लेकिन सिर्फ एक ही होगा. तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं जिनके मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं लेकिन जिनका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा. रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन लॉजिक कॉल्ड एज दस कॉल्ड एज लॉजिक गेट्स. अच्छा, अब ये लॉजिक गेट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके इनपुट और आउटपुट के बीच की जो रिलेशनशिप है वो पर्टिकुलर लॉजिक को फॉलो करती है. किस लॉजिक को फॉलो करती है और इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ये हम जानेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स पे कि किस तरह लॉजिक गेट के इनपुट आउटपुट आपस में एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, एक पर्टिकुलर लॉजिक फॉर्म करते हैं, ये हमें पता चलेगा आगे आने वाली स्लाइड्स में. गेट्स आर मेड अप ऑफ डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स. नाउ व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स? दे आर यूज्ड इन कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स, ऑन ऑफ स्विचेस, बर्गलर अलार्म, माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स एक्सेट्रा. अवेलेबल इन आईसी पैकेजेस. अच्छा, लॉजिक गेट का सिंबल तो इस तरह का कुछ होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एंड गेट लिया है तो उसका सिंबल इस तरह का दिख रहा है, दूसरे गेट्स का दूसरे तरह का दिखेगा. तो इस तरह का कुछ सिंबल होता है लॉजिक गेट का. लेकिन ये अवेलेबल कैसे होती है मार्केट में? ये अवेलेबल होती है आईसी फॉर्म में. इस तरह की आईसी है, जैसे कि एंड गेट की मैंने आईसी ली एग्जाम्पल के लिए आपके, तो ये एंड गेट की आईसी है और इस तरह की दिख रही है. आईसी पैकेजेस में हमें अवेलेबल होते हैं लॉजिक गेट्स, पर इनका सिंबल जो है वो कुछ इस तरह का होता है. और अवेलेबल कैसे होते हैं मार्केट में? इस तरह के. ये बहुत ही चीप होते हैं, कॉस्टली बिल्कुल नहीं होते हैं, और मोस्ट ऑफ द डिजिटल सिस्टम में लॉजिक गेट्स ही लग रहे हैं. नाउ, इनपुट ऑफ लॉजिक गेट्स कैसे होते हैं? किस तरह के इनपुट हम लॉजिक गेट्स पे अप्लाई करते हैं? किस तरह के सिग्नल हम लॉजिक गेट के इनपुट पे अप्लाई करते हैं? तो जानने वाली बात यह है कि जो हमारी मेन एसी सप्लाई होती है, जो हमारे घरों में अवेलेबल है या लैब्स में अवेलेबल है, वो होती है 230 वोल्ट एसी. इतनी ज़्यादा वोल्टेज की हम एसी सप्लाई अगर अपने लॉजिक गेट को देंगे तो उसके अक्रॉस जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बिल्डअप होगा और वो बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा. इसका मतलब है हम 230 वोल्ट एसी की सप्लाई अपने लॉजिक गेट को नहीं दे सकते हैं. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करके 230 वोल्ट एसी को स्टेप डाउन कर देंगे, या तो 9 वोल्ट पे या 5 वोल्ट पे. 5 वोल्ट या 9 वोल्ट एसी पे हम स्टेप डाउन कर देंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करके. उसके बाद हम रेक्टिफायर यूज़ करेंगे. मोस्टली हम ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करते हैं जो कि डायोड से मिलकर बनता है. वो रेक्टिफायर क्या करेगा? इस स्टेप डाउन एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर देगा. डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा मतलब कि हमको कुछ इस तरह की पल्सेस मिलेंगी. ठीक है,
अगर सिग्नल है तो पल्स मिलेगी, अगर सिग्नल नहीं है तो पल्स नहीं मिलेगी। तो अब क्या हुआ, कंटिन्यूस सिग्नल जो था हमारा वो अब जो है वो डिस्क्रीट में चेंज हो गया, कंटिन्यूस सिग्नल डिस्क्रीट में चेंज हो गया, पल्सेस में चेंज हो गया। ठीक है, जहाँ हमको सिग्नल मिल रही है मतलब कि हाई लेवल, और जहाँ हमको सिग्नल नहीं मिल रही है मतलब कि लो लेवल। तो इस तरीके से हमने एक कंटिन्यूस सप्लाई को डिस्क्रीट सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, इन पल्सेस को हम क्या करेंगे, कोड करेंगे बाइनरी में, कोड करेंगे बाइनरी लैंग्वेज में, और कन्वर्ट कर देंगे ज़ीरो और वन के फॉर्म में, कन्वर्ट कर देंगे ज़ीरो और वन के फॉर्म में, लॉजिक ज़ीरो एंड लॉजिक वन। हमारा इनपुट होगा लॉजिक गेट का, हमारे लॉजिक गेट का जो इनपुट होगा वो या तो होगा लॉजिक ज़ीरो या फिर होगा लॉजिक वन। इस तरह से जो आउटपुट होगा वो होगा या तो लॉजिक ज़ीरो या होगा लॉजिक वन, डिपेंड करेगा कि हमने किस तरह का गेट लिया है और कौन सा फंक्शन अप्लाई हो रहा है आउटपुट पे। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ पल्स इज रिप्रेजेंटेड एज लॉजिक वन, द प्रेजेंस ऑफ पल्स इज रिप्रेजेंटेड एज लॉजिक वन एंड द एब्सेंस ऑफ पल्स एज लॉजिक ज़ीरो, देन दिस इज अ पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, दिस इज अ पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। दैट इज, अगर हमारी पल्स प्रेजेंट है और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉजिक वन से, और अगर हमारी पल्स प्रेजेंट नहीं है और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉजिक ज़ीरो से, तो ये कहलाएगा हमारा पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। बट इफ़ द प्रेजेंस ऑफ पल्स इज़ रिप्रेजेंटेड एज लॉजिक ज़ीरो एंड द एब्सेंस ऑफ पल्स इज़ रिप्रेजेंटेड एज लॉजिक वन, देन द सिस्टम इज़ कॉल्ड एज निगेटिव लॉजिक सिस्टम। क्या मतलब हुआ कि अगर पल्स प्रेजेंट है और उसको हम लॉजिक ज़ीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर पल्स प्रेजेंट नहीं है और उसको लॉजिक वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा निगेटिव लॉजिक सिस्टम। तो इसका क्या मतलब हो गया कि लॉजिक गेट्स पे जो हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी डिजिटल सर्किट पे जब हम इनपुट अप्लाई करेंगे, तो उसको उसके दो फॉर्म हो सकते हैं, या तो हम पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम के अकॉर्डिंग इनपुट अप्लाई करें या फिर निगेटिव लॉजिक सिस्टम के अकॉर्डिंग इनपुट अप्लाई करें। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम जिसमें पल्स का प्रेजेंस होना लॉजिक वन शो करता है, पल्स का एब्सेंस होना लॉजिक ज़ीरो शो करता है, जबकि नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में पल्स का प्रेजेंस होना लॉजिक ज़ीरो शो करता है और पल्स का एब्सेंस होना लॉजिक वन शो करता है। नाउ टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, बेसिकली लॉजिक गेट्स को तीन कैटेगरी में रखा गया है। पहली हमारी बेसिक लॉजिक गेट, दूसरी यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स एंड अदर लॉजिक गेट्स। तो अदर लॉजिक गेट में क्या आ गया हमारा, एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स। ठीक है, बेसिक लॉजिक गेट्स में क्या क्या आ गए, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट। और यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स में क्या आ गए, नैंड गेट एंड नॉर गेट। ठीक है, तो इस वीडियो में हमको पढ़ना है बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में। तो एंड और नॉट जो होते हैं हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट आर बेसिक गेट्स। अच्छा, अब इनको बेसिक गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी डिजिटल सिस्टम हम इन गेट्स के थ्रू कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऑल डिजिटल सिस्टम कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दीज गेट्स। जैसे कि मान लो हमें बनाना है बर्गलर अलार्म, तो बर्गलर अलार्म में हम इन गेट्स को यूज़ करके स्पेसिफिक फंक्शन जो है अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, दीज गेट्स सेटिस्फाइज ऑल द बेसिक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड इन्वर्जन्स। ठीक है, ये गेट क्या करता है, बेसिक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करता है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड इन्वर्जन की ऑपरेशंस को ये गेट सेटिस्फाई करते हैं। नाउ सबसे पहले बेसिक गेट कौन सा आएगा हमारा, एंड गेट। सबसे पहला बेसिक गेट कौन सा हो गया हमारा, एंड गेट। एंड गेट का सिंबल ही दिया हुआ है आपको,
ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है टू इनपुट एंड गेट। अच्छा, एक इनपुट यहाँ पे नहीं हो सकता है, अगर आप एंड गेट बना रहे हैं तो कम से कम मिनिमम आपको दो इनपुट चाहिए, और आउटपुट तो हर बार एक ही होगा चाहे वो कोई सा भी गेट हो। तो एंड गेट का सिंबल आप नोट कर लीजिए, इसमें तो हमने दो इनपुट दिया है, ए एंड बी, और आउटपुट है हमारा सी। ठीक है, सिंबल के बाद देखिए आउटपुट फंक्शन एंड गेट का। तो एंड गेट, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि लॉजिक गेट जो है मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के या इन्वर्जन के फंक्शन को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो एंड गेट है वो क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी कि जो आउटपुट होगा हमारा वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनपुट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनपुट सिग्नल्स। तो आउटपुट जो हमको यहाँ पे मिला सी, वो क्या है, ए इंटू बी, यानी कि पहला वाला सिग्नल मल्टीप्लाइड बाई दूसरा वाला सिग्नल। सी क्या है हमारा, ए इंटू बी, ए प्रोडक्ट बी। तो एंड गेट क्या करता है, एंड करता है यानी कि मल्टीप्लाई करता है। तो हम किस तरह से बोलेंगे, सी इज इक्वल टू क्या है, ए एंड बी, ए डॉट बी क्या कहलाएगा, ए एंड बी, यानी कि ए और बी आपस में एंड हो रहे हैं। एंड का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कि ट्रुथ टेबल को देखिए, ट्रुथ टेबल में जैसे हमने दिखाया है कि हमारे पास दो इनपुट हैं और एक आउटपुट है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, पहली कंडीशन है हमारी जबकि दोनों इनपुट जीरो जीरो हैं तो आउटपुट क्या आएगा। अब हमें पता है कि आउटपुट सी क्या है, ए इंटू बी है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो जीरो इंटू जीरो क्या होगा, जीरो ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे जीरो से तो जीरो ही आना है। ठीक है, तो अगर ए और बी दोनों इनपुट जीरो जीरो हैं तो आउटपुट सी क्या आएगा, आउटपुट सी क्या आएगा, ए इंटू बी यानी कि जीरो। ठीक है, तो जब इनपुट दिया जीरो जीरो तो आउटपुट आया जीरो। ओके, नेक्स्ट होगा हमारा इनपुट, जबकि हमने एक इनपुट को वन कर दिया है, एक इनपुट को हमने वन कर दिया है। अब आउटपुट निकालना है आपको तो क्या करेंगे, सिंपल सा आपने आउटपुट फंक्शन लगा देना है कि सी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो सी इज इक्वल टू ए इंटू बी मतलब क्या है, अगेन ये दोनों इनपुट हो रहे हैं, दोनों इनपुट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जीरो इंटू वन क्या आएगा, जीरो इंटू वन क्या आएगा, जीरो ही आएगा अगेन, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला इनपुट क्या है, हमने दूसरे वाले इनपुट को वन कर दिया है, दूसरे वाले इनपुट को वन कर दिया है। अगेन जब हम इसमें करते हैं वन इंटू जीरो तो आउटपुट क्या आता है आपका, जीरो ही आता है। फिर वही बात हो गई कि जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो आउटपुट क्या आ गया, हमारा जीरो ही आ गया। ठीक है, लास्ट में हमने क्या किया है, दोनों इनपुट को कर दिया है वन वन, दोनों इनपुट को कर दिया है वन वन। तो अब क्या होगा, सी इज इक्वल टू ए इंटू बी यानी कि वन इंटू वन, तो सी क्या आया, वन इंटू वन वन ही हुआ, वन इंटू वन वन ही हुआ, तो सी आ गया हमारा वन इंटू वन वन, यानी कि लास्ट में जाके हमने देखा कि हमें मिला आउटपुट इज इक्वल टू वन। तो अगर हम एंड गेट की ट्रुथ टेबल को देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि जहाँ भी जीरो लिखा है इनपुट पे, जहाँ भी जीरो लिखा है इनपुट पे, तो आउटपुट पे आपको जीरो ही मिलना है, आउटपुट पे आपको जीरो ही मिलना है, अनटिल और अनलेस दोनों इनपुट वन नहीं हो जाएं। जब तक कि दोनों या जितने भी इनपुट हैं वन नहीं हो जाते हैं, आउटपुट आपको वन नहीं मिलेगा, आउटपुट आपको वन नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम एंड गेट की ट्रुथ टेबल को स्पेसिफाई कर सकते हैं। कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, कि इफ एनी ऑफ द इनपुट इज जीरो, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज जीरो आउटपुट विल बी जीरो। तो अगर कोई आपको बोले कि एंड गेट की स्पेशलिटी क्या होती है बताओ, तो हमें बताना होगा इन एंड गेट इफ एनी ऑफ द इनपुट इज जीरो आउटपुट विल बी जीरो। तो यहाँ पे हमको एंड गेट की ट्रुथ टेबल को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इनपुट पे चाहे वो मल्टीपल इनपुट हो, तीन इनपुट हो, चार इनपुट हो, दो इनपुट हो, कितने भी इनपुट हो, अगर एक भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट पे जीरो ही नहीं, जीरो ही मिलेगा, अनटिल और अनलेस सारे इनपुट वन नहीं हो जाएं। सो एंड गेट क्या बोलता है, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज जीरो आउटपुट विल बी जीरो। नेक्स्ट है हमारा और गेट। और गेट का लॉजिक सिंबल कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे भी हमने दो इनपुट अप्लाई किए हैं, ए एंड बी, और आउटपुट यहाँ पे हमने लिया है सी। तो और गेट क्या बोलता है, और गेट बोलता है कि जो आउटपुट फंक्शन है सी वो क्या होगा, ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पे जितने भी इनपुट हैं वो आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे,
ऐड हो जाएंगे वो आपस में, ठीक है, ए प्लस बी, और जितने भी इनपुट होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, सी इज इक्वल टू ए और बी। तो ये प्लस साइन क्या है, और की साइन है, तो हम क्या बोल रहे हैं, सी इज इक्वल टू ए और बी। तो और गेट क्या होता है, और गेट सिंपली जितने भी इनपुट होंगे आपके, दो इनपुट, तीन इनपुट, चार इनपुट, उन सबको ऐड कर देगा, है ना, ए और बी। तो प्लस साइन क्या है, साइन है आपकी, और की साइन है, ए और बी। अगर तीन इनपुट होते तो ए और बी और सी मान लीजिए, या क्यू मान लीजिए, ठीक है, सब आपस में ऐड हो जाते हैं। अब ये किस तरह का एडिशन होगा, ये कोई बाइनरी एडिशन नहीं होगा, ये एडिशन होगा बुलियन एडिशन। ये एडिशन कैसा होगा, बुलियन एडिशन। बुलियन एडिशन क्या होता है और बाइनरी एडिशन से कैसे डिफरेंट होता है, ये हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इसकी ट्रुथ टेबल को देखेंगे हम, और की, ठीक है, जब दोनों इनपुट हमारे ज़ीरो ज़ीरो हैं, जब दोनों इनपुट हमारे ज़ीरो ज़ीरो हैं तो आउटपुट भी हमारा ज़ीरो है। जैसे हमारा एक इनपुट वन हुआ तो आउटपुट हो गया वन, क्यों, क्योंकि ज़ीरो प्लस वन हो गया हमारा वन, ठीक है। यहाँ पे भी दो इनपुट हैं वन एंड ज़ीरो, तो वन प्लस ज़ीरो हो गया हमारा वन, ठीक है। यहाँ पे है हमारा लास्ट में, दोनों ही इनपुट वन है तो वन प्लस वन। अब यहाँ पे क्या आएगा, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, यहाँ पे बाइनरी एडिशन नहीं करना है, यहाँ पे हमें करना है बुलियन एडिशन। तो बुलियन एडिशन में क्या होगा, वन प्लस वन जो है टू, यानी कि वन ज़ीरो नहीं होगा, टेन नहीं होगा, वन प्लस वन जो है वो वन ही होगा। ये क्या कहलाएगी, हमारी बुलियन एडिशन। तो जब दोनों इनपुट ज़ीरो ज़ीरो थे तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो आया हमारा ज़ीरो, जब एक इनपुट हो गया वन तो ज़ीरो प्लस वन आया हमारा वन, जब दूसरा इनपुट वन हो गया तो वन प्लस ज़ीरो आया हमारा वन, जब दोनों इनपुट वन हो गए तो वन प्लस वन भी हमारा आया वन। तो और गेट की ट्रुथ टेबल आपको क्या बताती है, बताती है इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ वन, इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ वन आउटपुट विल बी वन, इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ वन आउटपुट विल बी वन। तो और गेट की भी ट्रुथ टेबल को आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये समझना है कि यहाँ पे जितने भी इनपुट होंगे सब आपस में ऐड होंगे, चाहे दो इनपुट गेट हो, चाहे थ्री इनपुट गेट हो, मल्टीपल इनपुट गेट हो, सारे इनपुट आपस में ऐड होंगे। ऐड होने का तरीका क्या है, बुलियन एडिशन होगी, जहाँ पे वन प्लस ज़ीरो भी वन होगा, ज़ीरो प्लस वन भी वन होगा, और वन प्लस वन भी वन होगा। तो याद करने वाली बात कुछ भी नहीं है, जहाँ पे भी आपको इनपुट पे वन दिखे यानी आउटपुट वन ही होना है, जहाँ पे भी इनपुट पे वन दिखे यानी कि आउटपुट पे वन ही होना है। इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ वन आउटपुट विल बी वन, बस इस लाइन को याद रखिए, इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ वन आउटपुट विल बी वन। नेक्स्ट है हमारा नॉट गेट, नॉट गेट जिसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं, और जहाँ भी हमें किसी भी फंक्शन को, किसी भी वेरिएबल को, या किसी भी लिटरल को कॉम्प्लीमेंट करना है या इन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम लगा देंगे किसी भी गेट के आगे बबल। किसी भी गेट के आगे अगर आप बबल लगा देते हो तो इसका मतलब क्या है कि जो भी इनपुट है वो क्या हो जाएगा, आउटपुट पे आके कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि नॉट गेट के आगे लगा है बबल, तो ये क्या काम करेगा, ये आउटपुट में या क्या देगा, इनपुट का कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पे अगर आउटपुट आपका सी है, मान लीजिए सी है, तो आपका इनपुट क्या, आउटपुट क्या शो हो रहा है, सी इज़ इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट, सी इज़ इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आउटपुट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट, आउटपुट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट, आउटपुट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। जो भी इनपुट है आउटपुट पे उल्टा होके आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट होके यानी कि इन्वर्ट होके आ जाएगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है, कि इसका ये मतलब है कि अगर इनपुट पे आपने दिया है ज़ीरो तो आउटपुट पे आपको कॉम्प्लीमेंट हुए क्या मिलेगा, वन। अगर इनपुट पे आपने दिया है वन तो आउटपुट पे आपको कॉम्प्लीमेंट हुए क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो देखने वाली बात यह है कि नॉट गेट पे हमेशा एक ही इनपुट अप्लाई होगा, नॉट गेट पे हमेशा एक ही इनपुट अप्लाई होगा, ठीक है, और आउटपुट क्या होगा, जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट, है ना। अगर ज़ीरो अप्लाई किया है तो वन मिलेगा, अगर वन अप्लाई किया है तो ज़ीरो मिलेगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। थैंक यू।